मोरू की कहानी को शुरू हुए 2 साल हो चुके हैं और अब फाइनली शैतान बकरे का दी एंड होने वाला है। वीजम की तरफ से चैप्टर 66 मोरो आर्क का लास्ट चैप्टर होगा, जिसका टाइटल है गोकू वर्सेस प्लेनेट ईटर मोरो क्लाइमेक्स बैटल। यानी चैप्टर 66 पूरी तरह से विराम चिन्ह लगाने वाला है प्लेनेट ईटर मोरो की कहानी में एक क्लाइमेक्स के साथ, और ये चैप्टर रिलीज होगा अगले महीने नवम्बर 20 को। और इसके बाद की नई आर्क शुरू होगी चैप्टर 67 से। 2018 के जंप फेस्टा में हमें मोरो के डिजाइन और ड्रैगन बॉल सुपर ब्रॉली मूवी के बारे में कुछ हिंट्स मिले थे, तो इसी तरह सभी फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि इस साल के जंप फेस्टा में भी हमें ड्रैगन बॉल सुपर के फ्यूचर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मे बी चैप्टर 67 दिसंबर 20 में आए ही ना, क्योंकि दिसंबर 19 या 20 को ही 2021 जंप फेस्टा ऑर्गेनाइज होगा। तो चैप्टर 66 बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है भाइयों, खासकर इसका क्लाइमेक्स। मोरो के साथ फाइनल बैटल में कुछ अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, जो कि अगली आर्क के लिए एक शुरुआत हो। तो चैप्टर 67 कब रिलीज होगा वो तो कंफर्म नहीं है, मे बी दिसंबर 20 को ही रिलीज हो जाए या फिर कोई गैप भी हो सकता है नई आर्क के लिए। लेकिन बेसिकली अब हम सब ड्रैगन बॉल फैंस की नजर है चैप्टर 66 की ओर, कि किस तरह मोरो का खात्मा होगा। क्या वेजिटा की स्प्रिट फ्यूजन टेक्निक मदद करेगी मोरो को प्लेनेट अर्थ से डिफ्यूज करने में, या फिर बीरस के ऑर्डर पर वेस्ट टाइम रिवाइंड करेगा? मोरो का खात्मा करने वाला क्या गोकू होगा या फिर बीरस की हकाई से मोरो का अंत होगा? पॉसिबिलिटी बहुत सी है भाइयों, लेकिन क्लाइमेक्स क्या होने वाला है इसका कोई आइडिया नहीं। क्या मीरस चैप्टर 66 में ही वापस आ जाएगा या फिर उसकी वापसी नई आर्क में होगी? हो सकता है कि लास्ट वाला क्लाइमेक्स मीरस की वापसी ही हो। भाइयों आप क्या सोचते हो इस बारे में कमेंट्स में जरूर बताना। अब बात करते हैं कि मोरो को हराने के हमारे पास कौन कौन से तरीके हैं, जिसमें सबसे बेस्ट है कि वेजिटा अपनी स्प्रिट फ्यूजन टेक्निक का इस्तेमाल करे। अगर आपको याद हो तो डेंडे ने वेजिटा को भी पूरी तरह से हील कर दिया था, लेकिन वेजिटा अपनी स्प्रिट फ्यूजन टेक्निक का ऐसे ही यूज नहीं कर सकता। उसे पहले अपने अपोनेंट से लड़ना पड़ता है, फिर वो धीरे धीरे अपनी टेक्निक से स्प्रिट्स को अलग करता है। वेजिटा की फोर्स स्प्रिट फ्यूजन टेक्निक एक्चुअली कैसे काम करती है ये जानने के लिए फ्लैश हुए कार्ड पर क्लिक कीजिए। तो सभी फैंस की तरह मेरी उम्मीदें भी वेजिटा से है इस बार, कि एटलीस्ट लास्ट में तो वेजिटा को थोड़ी सी शाइन मिले, वेजिटा लास्ट में कुछ ऐसा करे जो कि मोरो को हराने में बहुत सक्सेसफुल साबित होगा। लेकिन ये जो क्लाइमेक्स है भाइयों, ये कुछ भी हो सकता है। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यार कुछ अमेजिंग सा हो, कुछ ऑसम सा हो, जैसे कि बीरस का कोई एक्शन लेना वगैरह वगैरह। और इस चैप्टर 66 के बाद मोरो का भी चैप्टर हो जाएगा क्लोज नवंबर 20 में, फिर दिसंबर 19 या 20 को जंप फेस्टा होगा। और ये अभी भी कंफर्म नहीं है मुझे कि दिसंबर 20 को ही चैप्टर 67 आएगा या इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो एनीवेज आप बताइए आपकी क्या उम्मीदें हैं वेजिटा से, मोरो के खात्मे से और क्लाइमेक्स बैटल से, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली नई आर्क से। क्या मीरस चैप्टर 66 में ही वापस आ जाएगा या फिर उसकी वापसी के मिशन से ही नई आर्क की शुरुआत होगी? और गोकू की ऑफिशियल हिंदी वॉइस एक्टर अंकुर जवेरी सर के इंट्रोडक्शन वाले वीडियो को आपने बहुत प्यार दिया है, सर को वो बहुत ज्यादा पसंद आया है। जिन्होंने अभी भी उन्हें इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है प्लीज जल्दी से कर ले। वो ऐसे लेजेंडरी शख्स हैं हु मेड आवर चाइल्डहुड मोर देन ऑसम। और बहुत जल्द सर के साथ एक और वीडियो आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आप सबको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, सादर प्रणाम।